वसुदेव कुटुंबकम दोस्तों, तो बीकानेर का ट्रिप खत्म हुआ और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ श्री गंगानगर की तरफ, जो कि यहाँ से 242 किलोमीटर दूर है। तो मैं एक दिन में तो पहुँच नहीं पाऊँगा। ये ट्रिप कुछ 4-5 दिन की होने वाली है, जब मैं बीच में 80 किलोमीटर लूनकरण सर, आगे सूरतगढ़ और उसके बाद श्री गंगानगर पहुँचूँगा। तो देखते हैं कि इतनी लंबी ट्रिप मैं कैसे पूरी करता हूँ। तो चलते हैं आगे। गर्मी बहुत बढ़ गई है, पता है रोड कितना खाली पड़ा है। इतना चालीस गति सीमा है सच्ची, आप बताते नहीं तो पार निकल जाता मैं तो। और ये आ गया लूनकरण सर, 80 किलोमीटर पूरे हुए और आपको लग रहा होगा ना कि मैं थक गया होऊंगा, पैरों में दर्द हो रहा होगा। अरे यार, थकान हुई कभी मर्द को है? दर्द होता है कभी मर्द को? मैं इस समय एक गुरुद्वारे में हूँ और ये यहाँ पर पानी गर्म करने की एक देसी मशीन है, जिसमें यहाँ से पानी डालते हैं, बीच में लकड़ी वगैरह डाल के आग जलाते हैं और जो दूसरी तरफ नलची उधर से पानी बाहर आता है गर्म होकर के, ठंडा पानी इधर से और गर्म पानी उधर से। और अभी हम लूनकरण सर से आगे बढ़ दिए हैं सूरतगढ़, जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है उस तरफ, और बगल में ये एक झील है खारे पानी की, जिसमें पानी तो बचा नहीं है, खारा खारा बचा, यानी कि नमक की परत बच गई है। लूनकरण सर झील, और 50 किलोमीटर आगे अर्जन सर आ चुका हूँ मैं लूनकरण सर से। तो मैं फिर से गुरुद्वारे के यहाँ ठहरा हुआ हूँ अर्जन सर, और मैं चाय पी रहा हूँ इस समय, थोड़ी देर बाद लंगर शुरू होगा। और मैं दिन में आ गया था, तब से एडिटिंग कर रहा था बीकानेर की। यहाँ का माहौल बहुत पॉजिटिव है। और दोस्तों, अब हम आगे निकल गए हैं अर्जन सर से भी सूरतगढ़ के लिए, क्योंकि यहाँ से लगभग 47 किलोमीटर दूर है। और अब माहौल पंजाबी होने लगा है, क्योंकि होटल भी पंजाबी आ रहे हैं और खेत बढ़ गए हैं आसपास, खेती खेत आए जा रहे हैं। तो क्योंकि अपन श्रीगंगानगर जा रहे हैं, श्रीगंगानगर असल में राजस्थान में मिलने ही नहीं वाला था, ये पंजाब में रहने वाला था, लेकिन बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी ने श्रीगंगानगर को राजस्थान में मिलवा दिया। तो अपन ये समझ सकते हैं कि अपन एक छोटा पंजाब देखने जा रहे हैं। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि जब भी आप यूट्यूब चलाते हैं तो आपने बहुत सी बार देखा होगा बहुत सारे क्रिएटर, छोटे क्रिएटर जो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास डिसेंट सब्सक्राइबर नहीं है। डिसेंट सब्सक्राइबर से मेरा मतलब है कि 10,000 सब्सक्राइबर वो जगह है जहाँ पर अगर आप कोई चीज़ इंटरेस्ट से कर रहे हो तो आपको सपोर्ट मिल जाता है कि आप उसको कंटिन्यू रख सको। लेकिन कई सारे क्रिएटर्स के सालों तक
बहुत कम सब्सक्राइबर है, दो दो तीन तीन साल 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच नहीं पाते हैं, जबकि उनका कंटेंट अच्छा होता है, क्योंकि अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग तरह की ऑडियंस होती है और कुछ फील्ड्स में ऑडियंस कम होती है, तो ये दिक्कत सामने आ जाती है। तो मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई भी क्रिएटर देख रहे हो जो आपको लगता है कि ये डिज़र्व करता है कि एटलीस्ट वो अपना इंटरेस्ट तो फॉलो कर सके, तो प्लीज़ कोशिश करिए उसको आगे पहुंचाने की, एटलीस्ट 10,000 सब्सक्राइबर, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं होता है बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं उनके साथ में। मैं खुद बहुत सारी चीज़ें तो सिर्फ इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं बहुत थका हुआ रहता हूँ, और शायद मैंने अब तक शायद ये कहा भी नहीं है किसी को भी पूरे वीडियो में, जितनी बार वीडियोज़ बनाई है, अभी कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई क्रिएटर दिखता है जो डिज़र्व करता है क्या अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर सके, तो प्लीज़ उसे 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने में मदद कीजिए। पिछले कुछ दिनों में कुछ चीज़ें ऐसी हुई है, इसलिए मुझे ये सब कहना पड़ रहा है। बाकी यार चलते रहो। आपको लगता होगा ना कि बंदा तो कितने मज़े कर रहा है, अलग अलग जगह घूम रहा है, हाल फिलहाल वीडियो देख करके मज़े सिर्फ आप लोग कर रहे हो, क्योंकि उसे बनाने के पीछे मैं उस जगह के मज़े तो ले ही नहीं पाता हूँ ढंग से, एडिटिंग, साइकिलिंग, शुक्रवार आने से पहले पूरी शूटिंग, इन सब में छोड़ो। और अब तक जो लोग साथ हैं, साथ जुड़ चुके हैं और जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान का पहला थर्मल पावर स्टेशन, ये श्रीगंगानगर में एक जगह है ठुकराना, मैं जब जा रहा हूँ सूरतगढ़ की तरफ तो बीच में आई है, तो ये जो बोर्ड इस तरफ दिख रहा है, तो इस तरफ एक गांव है थोड़ी दूर, वहाँ पे ये पावर स्टेशन है। अपना क्या है, अपन तो खुद ही पावर हाउस से चले आ गए। और ये आ गया है सूरतगढ़। मैं सूरतगढ़ में था और वहाँ भी गुरुद्वारे में रुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे धर्मशाला आ ही नहीं रही, अब गुरुद्वारे आ रहे हैं। आज शुक्रवार है तो आज वीडियो डालनी थी, तो सुबह से एडिटिंग में लगा हुआ था, अब जाके कुछ आया है, वीडियो अपलोड हो गई है, कुछ काफ़ी गया था। आज सुबह गुरुद्वारे से मुझे निकल करके जाना था अनूपगढ़, गुरुद्वारे से निकलना नहीं चाहता लेकिन उन्होंने बोला कि वो सामान की रखवाली नहीं कर पाएंगे, तो फिर मुझे धर्मशाला में आना पड़ा, और ये धर्मशाला है यहाँ की, और ये मेरा रूम, और मैं शाम हो चुकी है और अनूपगढ़ से होके आ रहा हूँ। आगे बढ़ रहे हैं श्री गंगानगर की तरफ। अब यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है श्रीगंगानगर, और ये रास्ता बिल्कुल सीधा है, मतलब एकदम सीधा, बस सीधा ही सीधा। ये पानी है और ये इंदिरा गांधी नहर है, और इस नहर की वजह से आसपास के खेतों की फसलों में पार्टी हो रही है। श्रीगंगानगर आ गया है तो साइकिल चलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, जवान रहिए, अपने आसपास के पर्यावरण को साफ रखिए, और देखते रहिए कि बिट्टू कहाँ जा रहा है।